अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाइयों दोस्तों और जितने मेरे फ्रेंड हैं, जितने हमको देखने वाले हैं, सबको मैं सलाम करता हूं और सलाम आप लोग कबूल भी किया करें। सलाम का जवाब देना ही हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, जो है ज़रूर ज़रूर इस पे जो है कोताही ना किया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ पे कोताही कर लें, लेकिन अगर कोई सलाम करता है तो सलाम का जवाब लाजमी देना है। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त हम जो है सऊदी में हैं, सऊदी अरबिया में। तो यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, ये जो है अलहसा है मेरे दोस्त, तो अलहसा है, तो यहाँ पे आप लोगों को खाली खजूर की खेती होती है ज़्यादातर। यहाँ पे खजूर समझ लो गाँव है, एक गाँव जैसा है। फ़िलहाल काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे शांति है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई भी नहीं है ना, आप देख सकते हैं। तो आप लोग देखते रहें, एंजॉय करते रहें। अगर जैसे कोई अलहसा में आना चाहता है तो अलहसा जो है इस तरीके से है, इस तरीके से। यहाँ पे सिटी वगैरह नहीं है, एक छोटी मोटी सिटी है, बाकी ज़्यादातर यहाँ पे जो है मजरई है। तो हम मौलाना साहब से मिलने आए थे, हमारे छोटे भाई मौलाना जनाब अजमत भाई से, तो हम मिल के जो है उनसे जा रहे हैं। अब सीधा इसी गली से घुसेंगे और सीधा दिखाएंगे आप लोगों को कि जैसे बम्बई गोंडी की आप लोग खोली हो चाली देखते हैं, गोंडी की 28 नंबर 27 नंबर, तो वैसे ही हम तुमको चाली में लेके घुसता हूँ। बने रहो चैनल पे, देखते रहो इंशाल्लाह। अभी जो है इस वक्त हम जो है चाली के अंदर घुस चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कितनी पतली चाली है। ठीक है, इसी इसी चाली के जरिए जो है हम चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए एकदम। अब देख सकते हैं जहाँ भी आप लोगों की नज़र जाएगी खाली यहाँ पे खजूरी दिखता है, खजूर से कुछ नहीं है। तो मैं सीधा निकलने की कोशिश करता हूँ चाली से, एकदम सन्नाटा चाली है। अभी बहुत लंबी चाली है ये, देख रहे हो यहाँ चले जा रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो खजूरें गिरी हुई है और खजूर देख सकते हैं, यहाँ पर भी खजूर लगी हुई है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं खजूर लगी है अभी। खजूर यहाँ पे खाली, आप लोगों को खाली खजूर ही दिखेगा जो है। चले जा रहे हैं, क्या करें, कोई आगे पीछे है नहीं, मैं ही अकेले। एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए खास जो है, जितने हमारे भाई हैं जो अलहसा माना चाहते हैं, तो अलहसा इस तरीके से है। ठीक है, और ये जो है इस तरह है, आप देख सकते हैं किनारे किनारे इसके फूल लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप हमको भी देख लो, हम भी इसी पीछे ही हैं। तो अब गली से जो है हम निकल चुके हैं, अब गली से निकल के अब डायरेक्ट हम जो है अपने होटल की तरफ जाएंगे और यहीं पर रहते हैं हमारे छोटे भाई मौलाना साहब। तो मौलाना साहब से मिलना जब भी होता है तो 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। फिलहाल सऊदी अरबिया में ये चीज़ के पेड़ ज़्यादा है, देखो ये सब पूरा जितना दिख रहा है आप लोगों को, ये सब पूरा ही पूरा मजरा है, पूरा इस तरह मजरा यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप लोग घूमते रहें। और यहाँ पे एक चीज़ और है मेरे दोस्त, हम सोचते हैं कहीं कौवा दिख जाए, कौवा यहाँ पे कौवा नहीं दिखता है, चाहे जितना कर लो, बस खाली यहाँ पे छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं बुलबुल फुदकी यही सब दिखती हैं, बाकी और फालतू जो है कौवा चील बकुला जैसे अपने यहाँ हर किस्म की चिड़िया दिखती हैं, तो यहाँ पे वो चिड़िया नहीं दिखती है। देख सकते हैं यहाँ पे, और सीधा हम जो है चले जा रहे हैं। देखो किनारे किनारे देख सकते हैं आप लोग, देखो ये अलहसा का सीन है मेरे दोस्त, अलहसा। जैसे आप लोग अगर अलहसा का वीज़ा लगता है, अगर अलहसा आना चाहते हैं, तो अलहसा में इस तरीके का सीन है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सिटी नहीं है, ये समझ लो एकदम गांव टाइप का है, एकदम एकदम गांव है। देखो ये देखो खम्भे वम्भे सब गए हुए हैं गांव जैसे। तो यहीं से हम चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, और आप लोगों को थोड़ा वीडियो थोड़ा बना के दिखा दें। देखो यहाँ का घर जो है बहुत खूबसूरत रहता है, जो मजरे के अंदर बनाए रहते हैं,
काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और जिस जिस भाई को अच्छी लगे अगर वीडियो ये जो है सऊदी अरबिया अल हसा की, तो आप लोग कमेंट भी करते रहें, कमेंट करके हमको बताते भी रहें, इंशाल्लाह थोड़ा हम बनाते रहेंगे तो आप लोगों को और थोड़ा देखने में मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना खजूर जो है समझ लो कि राष्ट्रीय पेड़ है ये खजूर का पेड़ आप जो है काट नहीं सकते। अगर आप घर भी बना रहे हैं तो आपको इजाज़त लेना पड़ेगा काटने के लिए, अगर नया पेड़ है तो आप काट नहीं सकते। यहाँ पे खजूर का पेड़ काटना जो है अलाउ नहीं। और यहाँ पे ऐसे ही रेत मट्टी बालू ऐसे ही रहता है हर चीज़। यहाँ पे देखो पूरा जहाँ देख रहे हो आप लोग पूरा सन्नाटा एकदम गांव जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम गांव के जैसा है ये। और इतना देर से वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ मेरे भाई, कहीं आप लोगों को साइकिल दिखाई दी यहाँ पे? आप लोगों को यहाँ पे साइकिल दिखाई नहीं देगा साइकिल, क्योंकि यहाँ पे साइकिल का रिवाज नहीं है। साइकिल बस खाली जो यहाँ पे काम करने वाले रहते हैं वही अपना साइकिल वाइकिल रखे रहते हैं, बाकिया लोग साइकिल वाइकिल यहाँ पे नहीं रखते हैं। यहाँ पे हर इंसान के पास दो गाड़ी तीन गाड़ी ऐसे होती है। देखो यहाँ लाइन से देखो गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे गाड़ी इस्तेमाल होती है। ये है, अरे डरो मत। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी शांति है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मामला शांत है। और ज़्यादातर जो है यहाँ पे एकदम समझ लो कि खाली खजूर का ही खजूर का पूरा नज़ारा है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खाली खजूर ही खजूर है। और उसके जस्ट पीछे ही हम लोग का होटल है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं जो है ना। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे दोस्त जो है। देखते रहें आप लोग, बने रहें चैनल पर, इंजॉय करते रहें। हम भी यहाँ पर खड़े हैं, हमको देख सकते हैं थोड़ा आज टहल घूम के जो है आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग देखते रहें एंजॉय करते रहें ना। यही सब चीज़ें हैं, बाकी है क्या ज़िंदगी में, कुछ है नहीं। देख लो अल हसा इसी तरीके से अल हसा है। और हम दिखाते हैं अभी आप लोगों को और कुछ, बने रहें चैनल पर। यहाँ पर छोटी मशीन चल रही है जो छोटा सेबल जिसको बोलते हैं, जैसे उठा लो चुप से उठा के जो है यहाँ से और तुरंत उठा के गाड़ी लगी रहती है। देखो गाड़ी देख रहे हो, ये छोटा सेबल देखो उठा रहा है, उठाने के बाद में डायरेक्ट गाड़ी के अंदर उठाया, यहाँ से उठाने के बाद में डायरेक्ट गाड़ी के अंदर जो है भर देता है भाई लोग। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे दोस्त यही सब चीज़ें थी। आप लोगों को वीडियो लगी कैसे, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जो है बताया करें। तो इंशाल्लाह जो है हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को और थोड़ा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाओ डालूँ। तो अभी सऊदी अरबिया में हूँ तो आप लोगों को सऊदी अरबिया की जानकारी हम देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दिखाना ही बहुत ज़रूरी है कि आप लोग देखते रहें कि आखिर सऊदी अरबिया में किस तरीके से इंसान चलता है, किस तरीके से ज़िंदगी जीता है। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे दोस्त ना। तो इंजॉय करते रहो, मज़ा लेते रहो इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी आप लोगों को बढ़िया बढ़िया जगह की वीडियो बना बना के डालता रहूँ। तो ये तो हो गया अल हसा गांव का वीडियो ना। तो ये अल हसा गमलो गांव है, ये जो है सिटी नहीं है, ये गांव है। तो अल हसा गांव का वीडियो जो है हम बना चुके हैं, ठीक है भाई लोग। और रखता हूँ, फिर किसी टाइम इंशाल्लाह इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा आप लोगों को मेरा होटल का नज़ारा थोड़ा देख लें, उसके बाद में फिर वहीं से आप लोग रख देना, ठीक है। ऐसा है कि हम जो है अपने होटल के पास हम जो है आ चुके हैं, ठीक है। ये है हमारा होटल, पहन के हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे हो और भैया, जामा दिखाओ। अरे जामा क्या दिखाऊं, अपने नाजिम भाई अपना यहीं पे लगे रहते हैं जी। क्या करें, यही सब चीज है, ठीक है। जामा बहुत है। और ये देखें, ये जो है ये होटल है ना, ये होटल, ये पूरा होटल का नज़ारा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा होटल ना। चलो फिर ठीक है, रखता हूँ, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम।